बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जोरदार विरोध, नाराज लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। चपटी बुखार के मरीज और पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार। बिहार में चपटी बुखार से हुई मौत का आंकड़ा पहुंचा 125 के पार, एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स की याचिका पर चली सुनवाई, एससी ने डॉक्टर्स को लगाई फटकार, कहा आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, बैठक में यूपी विधानमंडल का सत्र 18 जुलाई से बुलाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष का नाम घोषित किया, राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला होंगे स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। बिरला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास के विश्वसनीय माने जाते हैं। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है, लोकसभा में दूसरे दिन भी नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ लेने का सिलसिला जारी है। संसद के इस दिन सन्नी देओल ने शपथ ली। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा, अमित शाह बनेंगे रहेंगे पार्टी अध्यक्ष। देश में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर नीति आयोग ने किया बड़ा फैसला, इसके तहत नीति आयोग ने लक्ष्य रखा है साल 2030 तक देश में दोपहिया और तिपहिया वाहन पूरी तरह से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। इस बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि साल 2025 से 150 सीसी इंजन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारी जाएंगी। इसको लेकर नीति आयोग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में बीजेपी पानी को लेकर, कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन होगा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में आरोपी मेहुल चौकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में नया हलफनामा दिया, उसने अपने हलफनामा में कहा कि वो देश छोड़कर भागा नहीं है बल्कि इलाज के लिए विदेश में है। मेहुल चौकसी ने अपने हलफनामे में कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है लेकिन अपने मेडिकल मुद्दे के कारण यात्रा करने में असमर्थ हैं। जैसे ही वो यात्रा करने के लिए फिट हो जाएगा वो भारत लौटने की कोशिश करेगा। दिल्ली में गर्मी से मिली राहत, बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, मंगलवार को भी बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने से पारा नीचे रह सकता है। मॉनसून की पहली बारिश से ऋषिकेश के रोड बने तालाब, जहां आने जाने वाले लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोग पानी पार करते आते जाते चोटिल हो रहे हैं, कई गाड़ियां पार करते समय दिक्कतें महसूस हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश कमांडर सज्जाद भट्ट ढेर, पुलवामा हमले में सज्जाद की कार का हुआ था इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर, जिसमें सेना के दो आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों में हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं फरार बदमाश की तलाश जारी है। इलाके के रामगढ़ फाटक के पास 25 लाख का लूट करके फरार रहे थे बदमाश। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग लड़की से गांव के चार युवकों ने गैंग रेप किया, विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई भी की गई। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में दिल्ली से आई एक महिला ने अपने पति की तीसरी शादी रुकवाई। महिला ने अपने पति के खिलाफ थाना रसूलपुर में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने महिला के पति की शादी रुकवाकर आरोपी पति को मौके से फरार हो गया। हरियाणा के भिवानी के हांसी गेट पर जूतों की दुकानों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में आग, आग के कारण 5 दुकानों को पहुंचा नुकसान, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के लखनऊ में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए, हेलमेट बांटकर लोगों को किया जागरूक। हरियाणा के पलवल में रेलवे ट्रैक को पार करते समय 23 साल की छात्रा आई ट्रेन की चपेट में, जीआरपीएफ की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। यूपी के शामली में दो मंजिला इमारत गिरी, सूचना मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया, मकान के नीचे दबने से 6 साल के बच्चे की घायल होने की सूचना है।
खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई बड़ी खबर, कश्मीर में आतंकी हमले के लिए नेपाल में आतंकियों की हुई मीटिंग। आईएसआई जब नेपाल के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। अमेरिका में भारतीय परिवार की हत्या का हुआ खुलासा, फोरेंसिक जांच के बाद पुलिस निष्कर्ष पर पहुंची, जांच के मुताबिक अकादमी ने की आत्महत्या। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 11 लोगों की मौत और 122 घायल। शेयर बाजार में आई मजबूती, सेंसेक्स में 150 अंकों की बढ़त, वहीं निफ्टी में 33.80 अंकों की बढ़त आई। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती, रुपए में आई 9 पैसों की मजबूती। सोने के भाव में आई गिरावट, दिल्ली में सोने की कीमत में 100 रुपए की गिरावट आई है। एयर इंडिया सितंबर महीने से 3 नई उड़ानें शुरू करेगी, इनमें से एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी जो गरीब, इसके अलावा 2 अन्य उड़ानें दिल्ली और मुंबई से शुरू होंगी। विस्तारा और गो एयर की मंगलवार से मॉनसून सेल शुरू, जिससे सस्ते में हो सकेगी हवाई यात्रा, शुरुआती किराया 1769 रुपए होगा। जेट एयरवेज को उबारने की सभी कोशिशें नाकाम, एनसीएलटी मामले की आईबीसी के तहत आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो का किराया, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने किराए के 18.75% को बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर शोएब मलिक सहित टीम और उनकी फैमिली को जमकर ट्रोल किया गया, शोएब मलिक ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी सेना भी बौखला गई है। सेना के प्रवक्ता ने हार के बाद कहा कि मैच को स्ट्राइक से जोड़कर ना देखें। सीडब्ल्यूसी 2019 कोहली का मुरीद हुआ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ा रहे प्रशंसकों को चुप रहने को कहा था, अब स्मिथ ने कोहली को के इस कदम को लाजवाब बताया है। सलमान खान को काला हिरन शिकार मामले में मिली बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान खान को बरी कर दिया गया है। अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल की पहली फिल्म पल पल दिल के पास बजट सत्र के चलते टली पहली फिल्म रिलीज। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म भारत ने चौथे दिन 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है, आशा है कि फिल्म 13वें दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिल्म भारतीय संविधान में मौजूद अनुच्छेद 15 पर आधारित है, जो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कहता है। अभिनेताओं की ब्रांड वैल्यू में रणवीर बने नंबर 1, पिछले 3 फिल्मों की कमाई 800 करोड़ रुपए के पार पहुंची। साइना नेहवाल की बायोपिक के लिए कड़ी मेहनत करती दिखी परिणीति चोपड़ा, साझा तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का सिजलिंग बेली डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, डांसिंग वीडियो। सोनम कपूर और आनंद आहूजा जापान में कर रहे हैं वेकेशन एंजॉय, सोशल मीडिया पर तस्वीरों को किया है साझा। पिंक टॉप में शिल्पा शेट्टी ने किया योगासन, वायरल हो रही हैं तस्वीरें। बेटे के साथ फिल्म करने पर ट्रोल हुए शाहरुख खान, डिज्नी की सुपरहिट फिल्म द लायन किंग में शाहरुख और उनके बेटे देंगे अपनी आवाज। फिल्म कलंक के फ्लॉप होने पर 2 महीने बाद बोले वरुण धवन, कहा यह पहली बार है जब मैं एक फेलियर पर इसे मैं प्रभावित हुआ हूं। टीवी एक्टर और गायक करण ओबरॉय पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली ज्योतिष महिला को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, ज्योतिष महिला की कहानी निकली झूठी।